सीएन टावर है, सीएन टावर का व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीएन टावर का भी टूर होता है, मैं आपको एक दिन लेके जाऊंगी। खैर आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कैनेडियन ऑटो शो में, सो वहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है। और सीएन टावर्स के नीचे ही है ये रॉजर सेंटर, ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, यहाँ पे सब बड़े बड़े फंक्शंस वगैरह होते हैं। सो दिस व्यू इज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंगली ब्यूटिफुल सीएन टावर्स, द लैंडमार्क ऑफ टोरंटो डाउनटाउन। ये साइड भी बिल्डिंग्स काफी अच्छी हैं, काफी सुंदर है। दिस इज टोटली कॉन्क्रीट जंगल, ऑल बिल्डिंग्स। 400 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑन यॉर्क स्ट्रीट, ऑल बिग बिल्डिंग्स, एंड वहां पे है लेक। तो अभी हम लोग ने एग्जिट ले लिया है स्पेडाइना में, एंड दैट इज द न्यू सीआईबीसी। सीआईबीसी यहाँ का एक बहुत मेजर बैंक है, उसका एक नया बिल्डिंग है और ये डाउनटाउन कोर ऑफ टोरंटो है। यहाँ जस्ट बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स, और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और आलीशान बड़े बड़े बिल्डिंग्स। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, एंड दिस इज द हॉकी हॉल ऑफ फेम बिल्डिंग, विच इज अ वेरी रिनाउंड लैंडमार्क ऑफ कैनेडा। दीज आर द क्रिंजी रोड्स, मतलब स्मॉल स्मॉल नैरो रोड्स ऑफ एक्चुअल डाउनटाउन टोरंटो। बहुत ही यहाँ पे लोग क्रेजी की तरह गाड़ी चलाते हैं, और देखिए कितने नैरो रोड्स हैं, बहुत ही क्रिंजी रोड्स हैं, स्मॉल स्मॉल। एडिलेड, ये एडिलेड स्ट्रीट है, ये भी काफी हिस्टोरिक स्ट्रीट है। दिस इज द ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, यहाँ पे है एक, और वहाँ पे टीटीसी की ट्राम्स जा रही है, ट्राम्स ऑफ टोरंटो। यहाँ से सीएन टावर का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, एकदम सामने सीएन टावर्स है। ये सीएन टावर्स जो है ये कनाडा का एक लैंडमार्क टावर है, और इसकी जो टॉप मोस्ट, इसका एक टूर होता है, आपको एकदम ऊपर तक लेके जाते हैं, और इसके ऊपर जो वो रिंग दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे एक 360 डिग्री रेस्टोरेंट है। सो वो भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी एक टूर होता है। सो दिस इज द सीएन टावर्स, ये कनाडा का एक लैंडमार्क बिल्डिंग है, मैं आपको लेके जा रही हूँ वहाँ पे। सो ये एरिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके नीचे है रिप्लीज एक्वेरियम ऑफ कनाडा, जो कि काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है कनाडा का, एंड दैट इज़ द मेट्रो कन्वेंशन एरिया। यहाँ पे सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ह्यूज बिल्डिंग्स। आई एम गोइंग टू गिव यू अ 360 टूर ऑफ दिस एरिया। Look how beautiful it is. यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, एंड विल गो ऑन दैट साइड, मैं आपको रिप्लीज के बाद लेके जाती हूँ। इन साइड में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, बट इफ़ यू स्टे आउटसाइड फॉर अ लॉन्गर टाइम यू नीड अ जैकेट, एंड इट्स प्रीटी चिली आउटसाइड। इवन दो द वेदर इज़ वेरी सनी, इट्स प्रीटी चिली आउटसाइड, लेकिन यहाँ डाउन टाउन का वाइब कुछ अलग ही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। बिकॉज इट्स अ फैमिली डे वीकेंड हॉलीडे, दैट्स वाई काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो मैं आपको एक पूरा टूर दे देती हूँ। सो दिस इज़ द रिप्लीज एक्वेरियम ऑफ कैनेडा। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस पेस्ट्री शॉप है, जिसका नाम है बीवर टेल्स वर्ल्ड फेमस पेस्ट्रीज। यहाँ बहुत देखिए आप, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, यहाँ पे लोग खड़े हैं ये पेस्ट्रीज लेने के लिए। काफ़ी फेमस पेस्ट्री की शॉप है यहाँ। ये है इनका मेन्यू। सो दिस इज द लुक ऑफ एक्वेरियम ऑफ कैनेडा, रिप्लीज एक्वेरियम ऑफ कैनेडा, और उसके जस्ट ऊपर ही है, मतलब साइड में ही है, देखिए सीएन टावर, इट इज सो बिग।
सो रिप्लीज एक्वेरियम मैं आपको नहीं लेके जा रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द व्यू ऑफ दिस एरिया। यहाँ पे एक सुंदर सा टॉर्टोइस, ब्यूटीफुल, कुछ ऐसा देखने में। ये एक्वेरियम का लाइनअप है, देखिए वहाँ से लोग जा रहे हैं एक्वेरियम के अंदर, एंड दिस इज़ ओपन डेली। और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे आज, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हियर। दिस इज़ द बेसिकली एंट्रेंस टू सीएन टावर। ये देखिए सीएन टावर जो है रहा, जो आपको रोड से दिखता है, आप इसके एकदम ऊपर तक जा सकते हैं, और उसके एकदम बाजू में ही है रिप्लीज एक्वेरियम। यहाँ पे काफ़ी सारे टूर्स वगैरह होते हैं, मैं आपको पास से जाके दिखाती हूँ। दैट इज़ द टिकट स्टेशन, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं वहाँ पे आगे। सो वहाँ फ्रेंच में लिखा हुआ है LA टू सीएन टावर्स, वहाँ से आप टिकट लेके सीएन टावर्स का टूर ले सकते हैं। इसका कुछ व्यू इस तरह से आ रहा है, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा समय है, एंड इट्स द वेदर इज़ आल्सो वेरी गुड। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो ये साइड है रॉजर सेंटर, और रॉजर सेंटर के इस साइड है सीएन टावर्स, जो कि इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ है रिप्लीज एक्वेरियम, एंड ऑल द बिग टॉल बिल्डिंग्स हियर, टॉल बिल्डिंग्स। और ये साइड मैं कुछ अनोखा आपको दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ रेक रूम स्टीम विजल रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे कुछ अनोखे ट्रेन्स खड़े हैं, देखिए एक कैनेडियन पैसिफिक का एक बहुत ही पुराना इंजन यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये पहले ना यहाँ पे ये पूरा कैनेडियन पैसिफिक रेल स्टेशन था, जब ये जगह डेवलप नहीं हुआ था, लाइक 1800s की मैं बात कर रही हूँ, तब का है ये यहाँ पे। सो ये एक यहाँ पे इंजन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसको ना राउंड हाउस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ने बनवाया था 1929 में। दिस साइन बोर्ड सेज वेलकम टू द टोरंटो हेरिटेज सेंटर, द जॉन स्ट्रीट राउंड हाउस, लोकेशन ऑफ इंटरप्रेटिव प्लैकार्ड्स। सो यहाँ से एक टूर टाइप का है, तो चलिए मैं आपको लेके जाती हूँ। यहाँ से एक राउंड अबाउट है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ट्रेन की लोकोमोटिव खड़ी है, बहुत खूबसूरत जगह है। सो लेट्स गो, यहाँ पे एक रेल रोड क्रॉसिंग है, और यहाँ पे रेल रोड है, एंड दिस इज़ द फ्रंट ऑफ दैट लोकोमोटिव इंजन। यहाँ पे इसको अभी कन्वर्ट करके ना इसके सामने एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है। सो दिस इज़ बेसिकली रेस्टोरेंट नाउ, दिस इज़ अ रेस्टोरेंट। और काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी सुंदर जगह है। इज़ अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ दिस राउंड हाउस, देखिए यहाँ पे ये जब कंस्ट्रक्ट किया गया था, सो इसके बारे में सब है। और यहाँ पे जो पुराने ज़माने में ट्रेन्स और इंजन्स होते थे ना, उसका सब डिस्प्ले में रखा हुआ है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे कैनेडियन नेशनल पैसिफिक रेलवेज के सब इंजन्स वगैरह खड़े हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पे है स्टीम ब्रूइंग विसल कंपनी, वो भी एक, ये सब अभी कन्वर्ट कर दिया है रेस्टोरेंट में। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत एक ट्रेन का जो इंजन है वो यहाँ पे है, इसमें बच्चे लोग चढ़ गए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एक्चुअली। और ये साइड में इसका रेस्टोरेंट है। दिस इज़ द इंजन विच आई वॉन्टेड टू शो यू। और यहाँ पे अच्छा म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। दिस वॉज बेसिकली अ ट्रेन हब, जो कि जिसको कन्वर्ट करके अभी पूरा ही रेस्टोरेंट एरिया बना दिया गया है। सामने है रॉजर सेंटर्स, वहाँ पे है सीएन टावर्स, वहाँ पे सब रेलवे इंजन्स खड़ी हुई है, और यहाँ का स्काईलाइन गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा एक, यू नो दिस एरिया इज गिविंग अ वेरी गुड वाइब।
इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी हैपनिंग प्लेस. दीज आर द ओल्ड टाइम्स में जो इंजन्स वगैरह थे, रेल की बोगी वो इस तरह की थी. सो इसको सब डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है वहाँ पे. वहाँ पे भी एक है, यहाँ एक बेसिकली राउंड अबाउट बनाया गया है फॉर एवरीवन टू यू नो एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल सफ़र ऑफ कैनेडियन पैसिफिक रेलवे स्टेशन. इस साइड भी काफ़ी सारी ट्रेन्स हैं. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस. यहाँ पे भी काफ़ी सारे ट्रेन्स खड़े हैं, ट्रेन की बोगियाँ. एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल इंजन हेयर अगेन, वेरी प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत है. ये साइड है स्कोशिया बैंक अरीना और टोरंटो की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स. ब्यूटीफुल प्लेस जो कि बहुत अच्छा वाइब दे रही है. तो आज के डाउनटाउन का सफर इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो अलॉट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन होता है ना, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगर जब भी कोई मैं नया वीडियो दूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप वो वीडियो जल्दी जल्दी देख लें. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.